आप सभी बुंदेलखंड वासियों को नए वर्ष 2019 के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लाइन साथियों, झांसी की जनता, कानपुर वासियों, कन्नौज, कायमगंज, फर्रुखाबाद एवं समस्त देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो पिछला वर्ष आपका गुजरा है उससे अच्छा इस वर्ष आपका सबका गुजरे, ऐसी मनोकामना है। झांसी के सभी गणमान्य व्यक्ति और महानुभावों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके परिवार के, उनके बच्चों को और हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं दलबीर सिंह सागर ड्रीमलैंड की तरफ से सभी झांसी वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबसे लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि मेले में एक बार आएं और अपने बच्चों के साथ आनंद करें। उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ शाखा नगर निगम झांसी की ओर से अपनी मांगों को उठाया गया। इस दौरान बताया गया कि झड़ाऊ शौचालय के बेरोजगार कर्मचारियों को आश्वासन के बाद भी काम नहीं दिया गया है। आउटसोर्सिंग में भर्ती की जांच की जाए, क्योंकि एक ही परिवार के कई सदस्यों को रोजगार दिया गया है, जबकि कुछ लोगों के यहाँ से एक को भी नहीं लिया गया है। इसकी जाँच कराई जाए। पूर्व में लगाए गए नाला गैंग के कर्मचारियों को हटाने के बाद उनको मौका न देकर नए लोगों को भर्ती किया गया है, जिनको कार्य का कोई अनुभव नहीं है, इसकी भी जांच कराई जाए सहित कई मांगों को उठाया गया। आज हमने सबसे प्रथम 2018 को अलविदा करते हुए 2019 की हार्दिक बधाई शुभकामना नगरवासियों को, नगर निगम कर्मचारियों को एवं सभी मीडिया पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामना देते हुए आज नगरा जोनल सेंटर पर हम लोगों ने एक बैठक रखी हुई है, जिसमें निर्णय लिया गया हुआ है कि ये झड़ाऊ शौचालय से वंचित जितने भी बेरोजगार कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ ने 13/12/2017 में इसी कार्यालय के माध्यम से एक धरना प्रदर्शन दिया था, नगर आई जी को ज्ञापन दिया था, माननीय रोहन सिंह अपर आयुक्त एवं माननीय नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय माननीय राकेश कुमार गौतम जी के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आने वाले समय में नगर निगम में जो भी भर्तियां होंगी सबसे पहले मान्यता आप लोगों को दी जाएगी, आप लोगों को रखा जाएगा। नगर निगम में जो रिक्त पद पड़े हुए थे उन पदों पर भर्तियां लमसम में की गई, पार्षदों के द्वारा गोलमाल किया गया। जिस परिवार में 6-6, 7-7 कर्मचारी पहले से ही आउटसोर्सिंग पर लगे हुए थे, उसी परिवार में 1-1, 2-2 और लगाए गए। आज यहाँ पर उपस्थित सभी बेरोजगार कर्मचारी झड़ाऊ शौचालय वाले बेरोजगार के बेरोजगार हैं। हम लोगों को हमेशा आश्वासन दिया जाता है, यहाँ हर वर्ष बेचारे हमारे कई वर्षों से नाला गैंग के जो कर्मचारी होते हैं, गरीब परिवार के लोग होते हैं, उन्हों को भी 2-3 महीने काम करा लेते हैं, उसके बाद वो भगा देते हैं। आश्वासन उनको भी दिया जाता है कि हम आने वाले समय में आपको स्थायित कर देंगे। जब अभी जो भर्ती हुई है उसमें नाला गैंग के नए नए लोग लगा दिए गए, जबकि ऐसे लोग लगे हैं उन्हें काम करने का तजुर्बा ही नहीं है, ढंग नहीं है। इसीलिए हम आज पुनः हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक ये झड़ाऊ शौचालय की जो बेरोजगार लोग हैं वाल्मीकि समाज के, अगर इनको रोजगार नहीं दिया गया तो हम लोग आने वाले 1 सप्ताह के अंदर नगर राज जी का घेराव करेंगे और वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे।